Suk. Jarum what? मैं बिल्कुल चकित नहीं हूँ कि वो मैस्टरबेशन वाले सीन को लेके ट्रोलिंग हुई या लोगों ने उसे उसको लेके मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की और कुछ लोगों ने बहुत ही घटिया तरीके से भी बट वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और मुझे लगता है कि कभी भी आप कुछ ऐसा करें जो ऐसी बात छेड़ें जो समाज को अनकम्फर्टेबल लगती है या उनकी मानसिकता को थ्रेटन करती है तो बहुत ही गंदा रिएक्शन आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है मुझे ट्विटर पे भी। उसके बाद कई सारे ट्विटर यूज़र्स, खासकर कुछ कॉमेडियंस ने बहुत फ़नी फ़नी उसके व्यंग निकाले, तो मुझे लगा अच्छी बात है, ट्रोलिंग भी एक क्रिएटिविटी की तरफ। जो ये मिथ्या थी, मिथ्या तो मैं नहीं कहूँगी, एक चलन था, एक मानना था कि जो फिल्में महिला केंद्रित होती हैं बॉलीवुड में वो पैसे नहीं कमाती हैं। कि हाँ चलो कंटेंट अच्छा है लेकिन बच्चे पैसे कहाँ कमाते हैं, खुलती नहीं है जिसे कहते हैं। तो वीरे दी वेडिंग ने ये साबित किया है कि महिला केंद्रित फिल्में खुल भी सकती हैं, मतलब पहले दिन में बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हैं और वो पैसे भी कमा सकती हैं, मतलब एक ब्लॉकबस्टर टाइप के पैसे कमा सकती हैं। जो औरतें हैं और उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो आज तक हमारे समाज में हमेशा एक बहुत ही ऐसे चुप्पी का मुद्दा रही है, उसके इर्द गिर्द बहुत चुप्पी है कि मतलब औरतों के अंदर भी एक कामुकता हो सकती है। ये हमें बहुत शर्माती है एक्सेप्ट करने में। तो मुझे लगता है कि वीरे दी वेडिंग ने वो एक बहुत ही ऑलमोस्ट मज़ेदार ढंग से उसे दिखाया है एंड आई थिंक ये अच्छी बात है क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। तो अगर और एडल्ट लाइफ का एक हिस्सा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है उसके, अगर हम मर्दों को हम ये दे सकते हैं कि आपके अंदर ये कामुकता हो सकती है तो औरतों को। भाई अभी जिस तरीके की मेरी हरकतें हैं और जो जो मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ और जैसी चीज़ें मैं इंटरव्यू में बोल देती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन वोट करेगा मेरे लिए। तो मैंने जो भी लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ भी अचीव किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस किस्म की अपब्रिंगिंग दी, उन्होंने जिस किस्म के वैल्यूज़ दिए, जिस किस्म का कॉन्फिडेंस दिया कि चाहे जो हो जाए दुनिया में हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कोई बात नहीं तुम घर आ सकती हो, कुछ भी हो जाए तुम घर आ सकती हो। मुझे लगता है कि अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस अगर आप दो तो वो फिर वो उड़े।